सुंदरनगर में चल रहे 10 दिवसीय विश्व हिंदू परिषद के उत्तर भारत के इंद्रप्रस्थ क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर में अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंत्री आलोक शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सुंदरनगर में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का ये शिविर उत्तर भारत के सभी पदाधिकारियों के लिए मार्गदर्शन करने के लिए शुरू किया गया है। इस शिविर में पंजाब, हरियाणा, जम्मू, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल से लगभग 150 कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का उत्तर भारत के सुंदरनगर में चल रहे 10 दिवसीय इंद्रप्रस्थ क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर में अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंत्री आलोक शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर सुंदरनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आलोक ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का ये शिविर उत्तर भारत के सभी पदाधिकारियों के लिए मार्गदर्शन के लिए किया जा रहा है। इस शिविर में पंजाब, हरियाणा, जम्मू, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल से लगभग 150 कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राम मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद प्रयासरत है और मंदिर अयोध्या में ही बनेगा, जिसकी पूरी रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी और विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के लिए 19 और 20 जून को हरिद्वार में बैठक आयोजित करके अगली रूपरेखा तैयार करेगा। मेरा सुंदरनगर आना विश्व हिंदू परिषद के सांगठनिक प्रवास के लिए। मई जून में सारे देश में हमारे 10 दिन के शिक्षा वर्ग लगते। विश्व हिंदू परिषद के अलग, दुर्गा वाहिनी के लिए अलग और बजरंग दल के अलग। सवेरे 4:30 बजे सब लोग उठते हैं और रात को 10:30 बजे तक अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेकर के अपनी शारीरिक बौद्धिक शक्ति को बढ़ाते, चीज़ों को समझते हैं और अपने को योग्य कार्यकर्ता बनाते हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के 110 चुने हुए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण यहाँ इस मंदिर के परिसर में हो रहा है। मैं उसके लिए यहाँ आया था। जाते समय कीरतपुर रुकूंगा, गुरुद्वारे के दर्शन करने का परिणाम ऐसा आया है। हम लोगों ने अपना राम जन्मभूमि का आंदोलन 4 मास के लिए स्थगित किया था। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने इसके लिए दोबारा प्रयत्न शुरू करना है। 19 और 20 जून को हरिद्वार में धर्म संसद होगी, उसमें आगे के कदम तय करेंगे। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित मीडिएशन चल रहा है, वह मीडिएशन परिणामकारी हो ऐसा हमारा प्रयत्न है। भूमि पर राम मंदिर बनेगा, इस प्रश्न पर कोई दो विचार नहीं हो सकते। और अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा में, वहाँ मुसलमानों की कोई बड़ी जनसंख्या नहीं है, इसलिए वहाँ किसी नई मस्जिद की आवश्यकता नहीं। इन दो बातों पर अडिग रहते हुए कोई रास्ता निकलता है तो रास्ता निकलेगा। कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।